Good morning students, this is your Neetu ma'am and welcome once again to the digital classroom of DSA. Beta, English mein humne kal complete kiya question tags, usse pehle humne active passive voice kiya aur usse pehle humne noun, pronoun, tense, aise bahut sare topics karke rules kiye hain. Now to just change the mood, just to divert the mood to the vocabulary section, so that aapki vocabulary bhi simultaneously update hoti jaye. अब हम लोग सारी चीजें एक साथ कवर करेंगे. हमने कॉम्प्रिहेंशन भी किया बेटा, हम रूल्स भी कर रहे हैं, हमने ईडियम्स भी किए हैं, हमने ग्रामर में एक्टिव पासिव वॉइस भी किया. यस्टरडे वी डिड क्वेश्चन टैग्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकैबुलरी सेक्शन एंड दैट आल्सो विद द सिनोनिम्स. मैंने इससे पहले भी आपको सिनोनिम्स कराए हैं. नाउ बेटा आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर दिस वोकैबुलरी सेगमेंट. वोकैबुलरी सेगमेंट में आपको अपने एक रजिस्टर बनाना है और एक रजिस्टर में उसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में. एक पार्ट में आप सारे सिनोनिम्स लिखेंगे, दूसरे पार्ट में आप सारे एंटोनिम्स लिखेंगे. इससे आपके एग्जाम के टू टॉपिक्स कवर होंगे. एग्जाम में सिनोनिम्स के लिए भी क्वेश्चन आते हैं और एंटोनिम्स के लिए भी क्वेश्चन आते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स क्या होता है. सिनोनिम्स सेम मीनिंग वर्ड, एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड. तो इसके लिए आपको वर्ड पता होना चाहिए, उससे मिलते जुलते वर्ड्स पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका सिनोनिम पता होना चाहिए, उसका एंटोनिम पता होना चाहिए. ओके, इससे पहले भी जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए हैं, नोट डाउन दैट इन योर रजिस्टर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. वीक में दो दिन हम वोकैबुलरी करेंगे ही. एवरी वीक टू डेज इन अ वीक विल डू द वोकैबुलरी सेक्शन, दैट मीन्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो दैट एक वीक में मिनिमम आपको 40 to 50 वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन द सिनोनिम्स इन द सिनोनिम पार्ट ऑफ योर रजिस्टर एंड यू हैव टू नोट डाउन एंटोनिम्स इन द एंटोनिम पार्ट ऑफ योर रजिस्टर. ओके, और दोनों पार्ट्स में जो जो वर्ड्स लिखे हैं डेली आपको उनको लर्न करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है और उनको अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज करना है, तभी वो दिमाग में याद रह पाएंगे. रटना नहीं है और लिख के भूल तो बिल्कुल ही मत जाना. ओके, डेली 10 मिनट्स है. डेली 10 मिनट्स में आप जो 10 वर्ड्स डेली लिख रहे हो बेटा, उसको याद रखो, उसको समझो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिनोनिम्स. So students, as I have told you, you have to make a register for the synonyms and antonyms. आपने हेडिंग डाली synonyms, उसमें आगे सारे synonyms ही लिखते जाएंगे. You will write the word and with the synonyms. और जो मैं हिंदी में या easy language में meaning बता रही हूँ, आप वो भी note down करते जाइए. Okay, now the first word is abandon. Abandon करना, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ के दूर चले जाना. ओके, द किंग abandoned हिज किंगडम. राजा ने अपने राज्य त्याग दिया. द किंग abandoned हिज चेयर, हिज रूल. राजा ने अपने राज्य का जो कुर्सी थी या राजा होने का जो हक था वो त्याग दिया. ओके, द बॉय abandoned फ्रॉम हिज फैमिली. लड़का अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया. तो abandon मतलब छोड़ देना या त्याग देना. ओके, अब जब मैं आपको ये मीनिंग बता रही हूँ बच्चा, तो इसके साथ आप हिंदी में मीनिंग भी लिखते जाओ, सो दैट आप जब बाद में रिकॉल करोगे तो आपको इजी हिंदी वाले मीनिंग से याद आ जाएगा. ओके, अब अबैंडन का और सिनोनिम्स क्या होंगे, चेक आउट. सीड, सीड मींस जस्ट टू लीव. डेजर्ट, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस डेजर्ट. ठीक है, डेजर्ट होमोनिम्स. डेजर्ट सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. एक डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. ओके, नाउ एक डेजर्ट मीन्स छोड़ देना, डेजर्टेड. द हस्बैंड डेजर्टेड हिज वाइफ. हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, तो डेजर्ट मीन्स छोड़ देना. फॉरगो, फॉरगो मीन्स दूर चले जाना, छोड़ के चले जाना. नाउ फॉरसेक, अगेन छोड़ देना, चले जाना. क्विट आपको पता है, ही क्विट द मैच, उसने मैच छोड़ दिया. He quit the competition. उसने competition को quit कर दिया. Quit आपको पता ही है, छोड़ देना. Now vacate, vacate कर देना, खाली करके चले जाना, छोड़ के चले जाना. Now renounce, renounce again means छोड़ के चले जाना. Relinquish means just to leave. इनका मतलब to leave.
अब देखो एक अबैंडन के लिए मैंने कितने सारे वर्ड्स दे दिए आपको। बेटा अगर अबैंडन नहीं आ रहा, आपको सेंटेंस में रेलिंक्विश आ रहा है और आपको बोला जा रहा है रेलिंक्विश का सिनोनिम ढूंढो, तो रेलिंक्विश का सिनोनिम अबैंडन भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, टू लीव भी हो सकता है। दैट मीन्स ये सब वर्ड्स का मीनिंग है टू लीव या छोड़ देना या त्याग देना। क्लियर? तो अबैंडन मीन्स रेलिंक्विश, क्विट, फॉरगो, वेकेट, डेजर्ट, रिनाउंस, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। ओके, तो रिमेम्बर दिस। ओके, नाउ सेकंड, अबेटमेंट। नाउ अबेट मतलब कम कर देना। द पेन हैज बीन अबेटेड। अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं, ये सेंटेंस बेटा एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। द पेन, जब आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो सारे जो भी मैं वर्ड्स करा रही हूँ बेटा लास्ट ईयर के पेपर्स से रिलेटेड ही हैं। ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आया है, एनडीए के पेपर में आया है एंड उसमें ये अंडरलाइन है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। नाउ अबेट मतलब कम हो जाना, लेसन हो जाना, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाना। नाउ सी, अबेट का मतलब कॉम्प्रोमाइज, कट, कट काटने वाला कट नहीं है, कट मींस कट शॉर्ट हो जाना। सी, कट मींस कम हो जाना, यहाँ पे कट ऑफ हो जाना दैट मींस कम हो जाना, कट शॉर्ट हो जाना दैट मींस कम हो जाना। नॉट डिक्लाइन हो जाना दैट मींस कम हो जाना। द रेट हैज बीन डिक्लाइन, द प्राइस रेट हैज बीन डिक्लाइन, द प्राइजेज हैव बीन डिक्लाइन मींस कम हो जाना। नाउ लेसन आपको पता है, लेसन लेस से रिलेटेड है, लेसन मींस कम। रिड्यूस आपको पता है, रिड्यूस मतलब कम हो जाना। रिलीव, रिलीव मतलब आराम मिलना, कम हो जाना। द पेन हैज बीन रिलीव्ड दैट मींस पेन खत्म हो गया या कम हो गया। तो अबेटेड या अबेटमेंट का मतलब है टू रिड्यूस, टू लेसन, टू कट ऑफ, टू डिक्लाइन दैट मींस कम हो जाना। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, एब्रीवेट। एब्रीवेट आपको पता है, कहां सुना है आपने एब्रीवेट? आपने सुना है इसका नाउन फॉर्म एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे वीआईपी, वीआईपी इज एन एब्रीवेशन जिसका फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, आप उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो? वीआईपी। क्लियर? जैसे आप www वर्ल्ड वाइड वेब, तो www एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन मींस शॉर्ट फॉर्म, छोटा, कम। पूरा ना बोल के हम कम बोल रहे हैं लेकिन मीनिंग सेम आ रहा है। तो एब्रीवेट करना मींस शॉर्ट करना। ओके, नाउ सी, एब्रिज करना मींस कम करना, पुल बांधना नदी के बीच में। तो अगर आप नदी के तैर के जा रहे हो और पुल से जा रहे हो तो पुल में रास्ता छोटा रहेगा, नदी में लंबा रहेगा। तो एब्रिज करना कम करना, कट अगेन ये वाला कट कम करना। सी, रिड्यूस अगेन रिड्यूस ये वाला, शॉर्टन मैंने आपको बताया कम करना, स्लैश ट्रंकेट दोनों का मीनिंग होता है टू रिड्यूस। स्लैश करना कम करना, ट्रंकेट करना दैट मींस उसको शॉर्ट फॉर्म में करना। तो एब्रीवेट शॉर्ट, कट, शॉर्टन, ट्रैश सॉरी स्लैश एंड ट्रंकेट। एब्रिज दैट मींस शॉर्टन कर लेना, उस चीज को कम में कर लेना। ओके, तो आई हैव डन थ्री वर्ड्स, अबैंडन, अबेटमेंट एंड एब्रीवेट। अबैंडन आई एम रिकॉलिंग, अबैंडन मींस छोड़ के चले जाना, त्याग कर लेना, फोरसेक, फॉरगो, डेजर्ट, टू लीव, वेकेट, रिनाउंस, रेलिंक्विश, ये सब अबैंडन के सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट इज अबैटमेंट। अबैटमेंट मींस टू लेसन, टू रिड्यूस, टू कट, टू कॉम्प्रोमाइज दैट मींस कम करना, डिक्लाइन दैट इज अबैटमेंट मींस कम करना। नेक्स्ट इज एब्रीवेट, मिलता जुलता वर्ड है बच्चा। एब्रीवेट मींस शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेट मींस शॉर्ट फॉर्म। तो स्लैश, ट्रंकेट, कट, शॉर्टन, एब्रिज ये सारे सिनोनिम है एब्रीवेट के। तो आई होप ये तीन वर्ड्स टोटली क्लियर टू यू ऑल। जस्ट ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, और जितने हम टॉपिक्स करते जा रहे हैं बेटा उसको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो ना। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ वर्ड।
सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वर्ड इज एबेंस. बेटा जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ करा रही हूँ दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं. कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड्स एग्जाम पेपर्स में लास्ट 5 to 7 ईयर्स की अगर आप एनडीए के पेपर्स देखोगे सारे वर्ड्स आपको वहां मिलेंगे. ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एबेंस. एबेंस मीन्स टेम्परेरिली डिले, रोक देना, खत्म नहीं करना, पोस्टपोन कर देना. नाउ सी दिस वर्ड एडजर्नमेंट. कहां सुना है हमने ये वर्ड? आपने टीवी में सुना है द जज इज सेइंग द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 weeks. तो एडजर्न की जाती है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो कोर्ट की कार्यवाही 2 हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है. स्थगित की जाती है मीन्स पोस्टपोन की जाती है. तो द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 weeks मीन्स कोर्ट की जो कार्यवाही है वो 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई जाती है. अभी रोक रहे हैं बट आगे हम कंटिन्यू करेंगे. तो एडजर्न करना दैट मीन्स उसको अभी रोकना बट वापस वो बाद में अपने लेवल पे आ जाएगी. तो उसको पोस्टपोन करना, डिले करना. एबेंस मीन्स टू डिले, टू पोस्टपोन, टू एडजर्न, खत्म नहीं करना, उसको पोस्टपोन करना. टेम्परेरी डिले है. नाउ सी पोस्टपोन. अब डोंट गेट कंफ्यूज विद द स्पेलिंग. पोस्टपोन ये यहां पे ये वाला फोन वाली स्पेलिंग नहीं आएगी. नो मैटर यहां एच नहीं है. पोस्टपोन आप क्या बोलते हो? पोस्टपोन, पोस्टपोन होता है. तो पोस्टपोन. टेम्पराइजिंग, टेम्पराइजिंग मीन्स टेम्परेरी शटडाउन, टेम्परेरी स्टे. उसको टेम्परेरी खत्म किया गया है, टेम्परेरी पोस्टपोन किया गया है, टेम्परेरी रोका गया है. तो एबेंस मीन्स टू स्टॉप सम एक्टिविटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, टू पुट अ स्टॉप, पुट अ टेम्परेरी स्टॉप ऑन सम प्रोसेस और ऑन सम एक्टिविटी. तो एबेंस के सिनोनिम्स क्या हैं? एडजर्नमेंट. अब एडजर्न याद रखना. एडजर्न कैसे याद रखोगे? द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 weeks. कोर्ट की कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है. मीन्स उसको वहां रोका जाता है, उसको पोस्टपोन किया जाता है. क्लियर? तो पोस्टपोन, टेम्पराइजिंग, देन एडजर्नमेंट, देन डिले, ये सारे सिनोनिम्स हैं एबेंस के. ओके ना एबोर. हम पहले भी कर चुके हैं एबोर हेट. एबोरनेस मीन्स हेट्रेड, नफरत, डिसलाइक, किसी को पसंद ना करना, किसी को पसंद ना करना. अब अगर मैं एबोर का सिनोनिम, ये एबोर का सिनोनिम है, एबोर का एंटोनिम दू तो एमिटी या एफेबल. एफेबल मीन्स फ्रेंडली. ओके तो एबोर मीन्स हेट, एबोर मीन्स हेट, एमिटी मीन्स दोस्ती, एफेबल मीन्स दोस्ती, बहुत क्लोज होना. नाउ एबोर का सिनोनिम है एबोमिनेट. एबोमिनेट मीन्स किसी को ना पसंद करना. डिस्पाइज अगेन नफरत करना. डिटेस्ट मीन्स नफरत करना. डिसलाइक आपको पता है, हेट आपको पता है, लोथ. नाउ ये लोथ वर्ड, डिटेस्ट वर्ड और डिस्पाइज वर्ड, ये वर्ड जरूर आते हैं और ये एबोर के लिए. आपको इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, ये चारों में से एक ऑप्शन मिलेगा. डिस्पाइज मिल सकता है, डिटेस्ट, हेट या लोथ. करेक्ट आंसर के लिए दीज आर द मोस्टली आस्क्ड ऑप्शंस. ओके तो एबोर मीन्स किसी को नफरत करना, जिसके सिनोनिम्स हैं हेट, लोथ, डिटेस्ट, डिस्पाइज. क्लियर? तो ऑल दीज आर सिनोनिम्स फॉर एबोर. डिसलाइक आपको पता है, हेट आपको पता है, ये आपको पता है. तो अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 ये वर्ड भी याद रख लिए, ये दोनों तो आपको पता ही पता है. लोथ मीन्स टू हेट, डिटेस्ट मीन्स टू हेट, डिस्पाइज मीन्स टू हेट. ओके तो एबोर मीन्स टू हेट. नेक्स्ट है एब्लेज. एब्लेज मीन्स जलता हुआ. बेटा हिंदी में लिखते जाना मीनिंग इसका, इसके नीचे मीनिंग लिखते ही जाना. एब्लेज मीन्स जलता हुआ, चमचमाता हुआ, जगमग जगमग जलता हुआ. ओके तो अफायर, अफायर मीन्स जलता हुआ. एल्फेम मीन्स जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ. बर्निंग आपको पता ही है. इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड मीन्स चमचमाता हुआ, जग जगमगाता हुआ, इल्यूमिनेटेड. क्लियर? अब एफ्लेम, दैट इज एल्फेम एंड एब्लेज मीन्स जलता हुआ. तो इसके लिए हिंदी में लिख लेना जलता हुआ. एल्फेम इज द सिनोनिम,
बर्निंग, इल्यूमिनेटेड. इल्यूमिनेटेड को याद रखना कि बहुत मोस्टली या कॉमनली यूज वर्ड है. इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनाइजिंग, इल्यूमिनेटेड मीन्स जलता हुआ, चमचमाता हुआ, रोशनी देता हुआ. ओके, तो दीज थ्री वर्ड्स. एबियंस मीन्स टेम्परेरी, स्टॉप, पोस्टपोन, डिले. एबहोर मीन्स हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, डिस्पाइस, लोथ. एब्लेस मीन्स ए फायर, इल्यूमिनेटेड, बर्निंग, एल्फिन. क्लियर? और जैसे मुझे याद है ना, आपको भी याद होने चाहिए और हो जाएंगे. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एबनॉर्मल. एबनॉर्मल पता है आपको, वन हु इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल. नाउ सी, एबनॉर्मल के लिए एक कॉमन वर्ड है इनसेन. ये वर्ड पूछा जाता है, दिस वन, जिसका मीनिंग है एबनॉर्मल. ओके, नाउ इनसेन, इसका ऑपोजिट या एंटोनिम ये होगा सेन. अब इनसेन और सेन का मतलब क्या है? सेन मतलब वन हु गिव्स लॉजिक टू ईच एक्शन, वन हु गिव्स रीजन. हम अगर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बिहेव कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन है. दैट मीन्स सेन बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर. इनसेन बिहेवियर विदाउट लॉजिक, विदाउट एनी रीजन. अब कोई बीच मार्केट में या बीच रोड पे एकदम से डांस करना शुरू हो जाए, तो आप क्या बोलोगे उसको? पागल है क्या? यही बोलोगे, पागल है क्या? क्यों बोलोगे? बिकॉज उसके एक्शन के पीछे कोई रीजन नहीं है. आप कुछ भी एक्शन नहीं कर सकते. सपोज सम पर्सन स्टार्टेड लाफिंग इन द मिड ऑफ द मीटिंग. क्लास चल रही है या कोई मीटिंग चल रही है और एकदम से कोई खड़े होकर तेज तेज हंसने लगा या तेज तेज चिल्लाने लगा, तो क्या बोलेंगे उसको? अभी पागल है क्या? यही बोलेंगे, पागल है क्या? तो ऐसे ही पागल होना, दैट मीन्स अबनॉर्मल होना. दैट मीन्स उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होना. दैट मीन्स उसका बिहेवियर, रीजन नहीं है उसके बिहेवियर के पीछे. विदाउट रीजन, विदाउट एनी लॉजिक ही इज डूइंग एवरीथिंग, तो उसके लिए इनसेन. क्लियर? तो इनसेन मीन्स एबनॉर्मल, सेन मीन्स नॉर्मल. क्लियर? ये तो हुए बेसिक वर्ड. अब एबनॉर्मल के लिए और कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, चेक आउट. एबेरेंट, एनॉमलस, क्यूरियस. नाउ व्हाई क्यूरियस? व्हाई क्यूरियस? क्यूरियस, जिज्ञासु होना तो बहुत अच्छी बात है कि हर चीज जानना है, लेकिन जो एबनॉर्मल है वो बार 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 एक ही चीज पूछता है, बार बार कुछ पूछता ही रहता है. दैट मीन्स उसको समझ नहीं आ रहा. सपोज समवन इज आस्किंग यू वन क्वेश्चन एंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, तो व्हाट यू विल से टू हिम? नॉर्मल तो है कि अबनॉर्मल है? तो अगर एक ही क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहा है, दैट मीन्स वो क्यूरियस है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ पूछ रहा है आपसे, क्यूरियोसिटी दिखा रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल. नाउ डेविएंट, डेविएंट मीन्स वन हु इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली. नाउ इसेंट्रिक, इसेंट्रिक अजीब सा बिहेवियर, समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, अलग ही बिहेव कर रहा है. नाउ ऑड, ऑड आपको पता है, ऑड बिहेवियर, ऑड बिहेवियर जो आपको समझ नहीं आ रहा. नाउ पेक्यूलियर, पेक्यूलियर अलग, सबसे अलग. और ये पेक्यूलियर वर्ड कहां यूज होता है? सी, ही हैज पेक्यूलियर क्वालिटीज. पेक्यूलियर क्वालिटीज मीन्स सबसे अलग क्वालिटीज, जो किसी में नहीं पाई जाती, जो सबसे अलग है. नाउ अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स डिफरेंट, पर पेक्यूलियर मीन्स अबनॉर्मल, जो नॉर्मल होती ही नहीं है. दैट इज पेक्यूलियर क्वालिटीज. ओके, नाउ सी क्वीर, क्वीर मतलब स्ट्रेंज. क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अजीब. ही ऑलवेज डिस्प्ले अ क्वीर बिहेवियर, उसका बिहेवियर हमेशा अजीब रहता है. अजीब रहता है मीन्स इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीवन, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीवन. तो इट इज अ क्वीर प्लेस. क्वीर प्लेस मीन्स अजीब सी जगह. तो क्वीर बिहेवियर के लिए भी यूज होता है और जगह के लिए भी, कंडीशंस के लिए भी. तो क्वीर मतलब स्ट्रेंज, अजीब, जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है. सपोज आप किसी पुरानी गुफा में गए या पुराने खंडर में गए, तो वहां का जो ऑरा होगा, क्या वो नॉर्मल आपके घर जैसा होगा? नो. तो आप क्या बोलते हो? कितनी अजीब जगह है. दैट मीन्स इट इज अ क्वीर प्लेस, अलग, अबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है. ओके, नाउ फ्रीकिश, फ्रीकी बिहेवियर. सुना है कभी वर्ड? इंटरनेट पे बहुत ट्रेंडिंग है ये वर्ड, फ्रीकी.
फ्रीकी मीन्स कुछ भी करना जो नॉर्मल नहीं है, कुछ भी अजीब करना. ओके, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द मॉडल्स हैविंग वन साइड बॉल्ड एंड वन साइड हेयर, हेयर कट ऐसा कर रहे हैं, एक साइड पूरा खाली और एक साइड इतने बड़े बड़े बाल. तो क्या बोलते हैं? फ्रीकी. फ्रीकी दैट मीन्स समझ के ऊपर, समझ के बाहर. क्लियर? अटिपिकल. अटिपिकल मीन्स जो टिपिकल नहीं है, जो टिपिकल से अलग है. क्लियर? तो अब नॉर्मल के लिए हमने बहुत सारे वर्ड कर लिए, ऑड, पेक्यूलर, अटिपिकल, इनसेन, क्वियर, फ्रीकिश. ओके, तो आई होप अबनॉर्मल इज क्लियर टू यू. नाउ सी द वर्ड एवरेज. हमने अभी पढ़ा है ये वर्ड. एवरेज पढ़ा है हमने, कहां पढ़ा है? शॉर्टन करने के लिए. एब्रीवेशन, शॉर्टन, लेसन, अबेटेड. हमने ये वर्ड पढ़ा था अबेटमेंट में. अभी हमने अबेटमेंट में ये वर्ड पढ़ा था इससे पहले. तो अबेटमेंट करना, आई गिव यू वन सेंटेंस ऑल्सो, द पेन हैज बीन अबेटेड, कम हो जाना. तो एवरेज और अबेटमेंट दोनों का मीनिंग सेम है. अबेटमेंट के सिनोनिम में आपको एवरेज दिया था आपको. तो एवरेज करना, शॉर्टन हो जाना. क्लियर? नाउ शॉर्टन, सी, कर्टेल. कर्टेल मतलब कम कर लेना. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, द 4 days मैरिज सेरेमनी इज कर्टेल टू 2 days. दैट मीन्स 4 दिन का जो सेरेमनी होने वाली थी, शादी के जो फंक्शंस होने वाले थे, उसको हमने कर्टेल कर दिया 2 दिन पे. तो कर्टेल कर दिया मतलब कम कर दिया. ओके, तो कर्टेल. रिड्यूस आपको पता ही है. फोरबियर. फोरबियर मीन्स कम हो जाना. रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स रोक लेना, कम हो जाना. अगेन शन, रिनाउंस. ये सारे वर्ड्स हमने अबेटमेंट में किए थे. रिनाउंस कम हो जाना, रिफ्रेन कम हो जाना, रोक लेना. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एब्स्टेन. एब्स्टेन करना, बच के निकलना. ओके, यहां आप हिंदी के लिए लिख लो आप. नाउ सी, एब्स्टेन करना, बचना. Avoid. He always abstain from his friends. He always abstain from his relatives. वो अपने रिश्तेदारों से हमेशा बचता रहता है. That means उनसे मिलता नहीं है, उनको avoid करता है. See, avoid. Desist. Eschew. Eschew करना, नजरअंदाज करना, बच के निकल जाना, आंख चुराना. Now forbear. Again. Now this is wrong. ये गलत है, ये पूरा ये लाइन नहीं है. तो अवॉइड, डेजिस्ट एंड एस्ट्यू, इसका मतलब है बच के निकलना. सी बच्चा, एब्स्टेन हम कर रहे थे कंटिन्यू. एब्स्टेन मींस रोक लेना, उसको कंट्रोल कर लेना, उसको जाने नहीं देना. एब्स्टेन के लिए फोरबियरेंस ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है. रिफ्रेन, शन, रिनाउंस मींस रोक देना. आप आगे नहीं जा रहे हो, आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो. इसके लिए एक और वर्ड है, सीज. Now what do you mean by seize? कहाँ सुना है आपने seize? Seize fire. सुना है the red cylinder to control the fire. That is seize fire. तो means आग को रोकने के लिए, आग को control करने के लिए, आग को वहीं उस चीज, उस आग को वहीं रोक दिया, आगे बढ़ने ना देना. तो that is abstain. Abstain करना, withhold करना. एक और word है इसके लिए बेटा, withhold. Okay, I'll write again. एब्स्टेन करना, विथहोल्ड करना, रोक लेना, अपने कंट्रोल में रह लेना. दैट इज एब्स्टेन. तो वी हैव डन 9 वर्ड्स फॉर सिनोनिम्स टुडे. नाउ आई विल कंटिन्यू विद द एंटोनिम्स. तो डेली 9 to 10 वर्ड्स हम सिनोनिम्स के करेंगे और डेली हम 9 to 10 वर्ड्स एंटोनिम्स के करेंगे. ओके, तो आई होप यहां तक वर्ड्स आपको सिनोनिम्स के क्लियर है. ओके, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द एंटोनिम्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स. अब ऑपोजिट वर्ड्स बच्चा तब आएंगे जब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा. अगर इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो ऑपोजिट वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका मीनिंग पता होना. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ एंटोनिम्स. द वर्ड इज एक्नॉलेज. एक्नॉलेज करना, ध्यान में लाना. एक्नॉलेजमेंट, किसी को अपना अटेंशन लेना, ध्यान देना, अटेंशन देना. एक्नॉलेज करना, उस पर अटेंशन देना, नोटिस करना. ओके, तो एक्नॉलेज मीन्स नोटिस करना, ध्यान देना. क्लियर? अब ऑपोजिट है डिनाई करना, मना कर देना, उस पर ध्यान ही नहीं देना.
उसको नोटिस ही नहीं करना, डिसओन कर देना, अपने जो अटेंशन है उससे अलग कर देना, अपने नोटिस से अलग कर देना, अपने एरिया से, अपने लेवल से अलग कर देना. ओके, आई डिसओन यू फ्रॉम माय फैमिली, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से अलग करता हूँ. क्लियर, अपनी जायदाद से अलग करता हूँ. आई डिसओन यू फ्रॉम माय प्रॉपर्टी मींस अलग कर देना, ध्यान ना देना, उससे रिश्ता तोड़ लेना. एक्नॉलेज करना, नोटिस करना, उस पर ध्यान देना, उसको कंसिडर करना, उससे कॉन्टैक्ट होना, दैट मीन्स एक्नॉलेज. क्लियर, डिनाय करना, मना कर देना, ध्यान ना देना, डिसओन कर देना, दिस इज ऑपोजिट. नाउ दिस इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट आपको पता है, एक्सेप्ट को ऑपोजिट रिजेक्ट, इजी वन. नाउ सी अबंडेंस. अबंडेंस कहां सुना है आपने? ज्योग्राफी में. ज्योग्राफी में अबंडेंस, अबंडेंस बहुत ज्यादा. इसके लिए एक वर्ड है बच्चा अबंडेंस के लिए, जिसे हम लिख सकते हैं सरप्लस. सरप्लस मींस बहुत ज्यादा, जितना हमें चाहिए, लिमिट से ज्यादा, आउट ऑफ द लिमिट, सरप्लस. अब इसको याद कैसे रखोगे? सर और सर के ऊपर भी गया तो प्लस. सरप्लस मतलब जितना चाहिए उससे भी ज्यादा. अबंडेंस मींस बहुत ज्यादा, अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में. अब इसका ऑपोजिट डर्थ. डर्थ, ये डेथ नहीं है, सी आर इज हियर. डर्थ. एक और वर्ड है स्केर्सिटी, एक और वर्ड है लैक. ये सब इसके ऑपोजिट है. लैक ऑफ विटामिन्स, लैक ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की कमी. क्लियर, लैक ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की कमी. ये कमी, ये ज्यादा. अब ये ज्यादा क्या? लिमिट से ज्यादा. सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पॉइंट. ये मेन पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है. ये सेंटर पॉइंट से अगर ये चीज यहां ज्यादा हो रही है, सो दिस इज सरप्लस, उम्मीद से ज्यादा, प्लस. और अगर कम हो रहा है तो लैक या डर्थ. क्लियर, जितना चाहिए, जितना चाहिए बैलेंस के लिए, बैलेंस से कम है तो कमी, बैलेंस से ओवर हो रहा है, ओवर लिमिट हो रहा है, तो वो होता है सरप्लस. तो अगर मैं यहां लिखूं ओवर लिमिट, दैट मींस बहुत ज्यादा, ओवर द लिमिट, और ये कमी. डर्थ मींस कमी. अगर मैं बोलूं देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंटेड यूथ इन इंडिया, इंडिया में टैलेंटेड यूथ की कोई कमी नहीं है, तो डर्थ मींस कमी, स्केर्सिटी, लैक. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ चेक आउट दिस वर्ड एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मींस पूरा. हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली, दैट मींस पूरी तरीके से. तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरे तरीके से, कंप्लीट, टोटल. अगर मैं आपको इसके सिनोनिम दूं तो कंप्लीट, टोटल, पूरी तरीके से, पूरा, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेयर, पूरा, एब्सोल्यूट कंप्लीट, टोटल, पूरी तरीके से. ना यहां पर इसका ऑपोजिट है पार्शियल, मींस पूरे तरीके से नहीं, आधा, कम, पूरा नहीं है, लिमिटेड, दैट मींस पूरा नहीं है. क्लियर, तो एब्सोल्यूट का ऑप्शन में हाफ नहीं आएगा. एब्सोल्यूट मींस पूरा और उसका ऑपोजिट हाफ नहीं. एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली, टोटली, दैट मींस पूरे तरीके से. और इसका ऑपोजिट है पार्शियल, लिमिटेड, दैट मींस पूरे तरीके से नहीं. क्लियर, नाउ चेक आउट दिस वर्ड एडमायर. एडमायर करना, किसी को प्रेस करना. सी, किसी को प्रेस करना, किसी की तारीफ करना, किसी को अप्लॉड करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को पसंद करना, उसकी तारीफ करना, अप्रिसिएशन, तारीफ करना, अप्लॉड, तारीफ करना, अप्राइजल, तारीफ करना, बहुत सारे वर्ड है. कमेंड, कमेंडेबल जॉब ही हैज डन, तारीफ के लायक, प्रेजवर्दी. ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब, उसने तारीफ के लायक काम किया है. तो कमेंड, अब से ये कमेंट नहीं है, कमेंड. और ये कमेंड वर्ड्स आपको पेपर में बहुत बार मिलेगा, बहुत बार मिलेगा. ओके, तो कमेंड का मतलब है तारीफ करना. क्लियर, किसी की प्रेज करना, प्रेज, अप्लॉड. अब अप्लॉड कैसे याद रखोगे? आप कभी फंक्शन में देखा, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द चीफ गेस्ट.
अप्लॉज, उसकी तारीफ में ताली बजाओ. क्लियर? तो अप्लॉज, अप्लॉड, अप्रिसिएट, प्रेज, ये सब का मीनिंग है तारीफ करना. रिमेम्बर दिस वर्ड, कमेंड. ओके, अब अगर ये है तारीफ करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बुराई करना. नाउ डिस्पाइज मींस बुराई. एबहोर, हमने एबहोर अभी किया है. एबहोर मतलब हेट, नापसंद करना. एक और वर्ड डिटेस्ट, ये लिखा है डिटेस्ट, हेट, लोथ, ये हमने एबहोर के सिनोनिम में किए थे. सबका मीनिंग एक है, पसंद ना करना, डिसलाइक करना. नाउ कंडेम, नाउ सी दिस कंडेम एंड दिस कमेंट, ये दोनों आएंगे आपको एंटोनिम या सिनोनिम में. क्लियर? कमेंड अगर वर्ड आ रहा है तो उसके ऑप्शन में 100% आपको कंडेम्ड मिलेगा. कंडेम करना, बुराई करना. ओके, एक और वर्ड है क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज करना, बुराई करना. तो एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, किसी को पसंद करना, उसको ऑपोजिट, किसी को पसंद ना करना, हेट करना, नफरत करना, उसकी बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना. नाउ सी द डिफरेंस इन द स्पेलिंग, कमेंड एंड कंडेम्ड. क्लियर? दोनों में डिफरेंस है. दिस इज बुराई करना, दिस इज तारीफ करना. ओके, नाउ दिस इज अलाइव. अलाइव मतलब जिंदा, डेड मतलब मर गया. ये तो इजी है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट. एंशियंट मीन्स पुराना, ओल्ड. एंशियंट के लिए क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? पुराना, ओल्ड, सी ओल्ड, एजेड मीन्स पुराना. ओके, एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री, पुराना. क्लियर? अब एंशियंट मीन्स ओल्ड, तो इसका ऑपोजिट मॉडर्न आपको पता है. मॉडर्न पता है, जो आज के टाइम का है. एंशियंट मीन्स पुराने टाइम का. और आज के टाइम के लिए करंट, करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं बेटा. व्हाट आर द करंट अफेयर्स, जस्ट स्टडी अबाउट द करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स. करंट मतलब अभी. व्हाट इज द करंट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज क्या है, आज की न्यूज क्या है. तो करंट मीन्स अभी, प्रेजेंट. लेटेस्ट मतलब नई, नई. नाउ जस्ट सी दिस वर्ड कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी वर्ड कहां सुना है आपने? कंटेम्प्रेरी वर्ड सुना है आपने डांस रियलिटी शोज में. डांस रियलिटी शोज में व्हेन द जजेस आस्क द परफॉर्मर और दैट पर्सन व्हाट यू आर परफॉर्मिंग टुडे एंड व्हाट द डांसर रिप्लाइज एवरी टाइम, कंटेम्प्रेरी डांस. कंटेम्प्रेरी मीन्स आज का, नया, लेटेस्ट. तो कंटेम्प्रेरी मीन्स पुराना. कंटेम्प्रेरी मीन्स नया, सॉरी. कंटेम्प्रेरी इज द ऑपोजिट ऑफ एंशियंट. नाउ अगर मैं आपको वर्ड दूं ऑर्थोडॉक्स. नाउ व्हाट यू मीन बाय ऑर्थोडॉक्स, सुना है आपने वर्ड. हिज पेरेंट्स आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, देयर थिंकिंग इज वेरी ऑर्थोडॉक्स. तो ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुरानी. ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुरानी. ऑर्थोडॉक्स का ऑपोजिट क्या होगा? मॉडर्न, नया, कंटेम्प्रेरी. क्लियर? एडवांस्ड मतलब नया. तो ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराना, एडवांस मीन्स नया, लेटेस्ट मीन्स नया, करंट मीन्स नया, मॉडर्न मीन्स नया, कंटेम्प्रेरी मीन्स नया. क्लियर? नाउ चेक आउट दिस एब्सटेन. हमने अभी किया है एब्सटेन सिनोनिम में. दैट इज वाई मिलते जुलते वर्ड्स लेके आई हूं मैं, ताकि दोनों तरीके से याद रहे. एब्सटेन का मीनिंग हमने अभी किया रिनाउंस, withhold, refrain, cease. ये सब इसके सिनोनिम है. हमने अभी सिनोनिम में किया है. तो एब्सटेंट करना, रोक लेना, कंट्रोल कर देना, उसको आगे नहीं जाने देना. रिमेम्बर सीज फायर, फायर को कंट्रोल कर देना. रिफ्रेन करना, रोक लेना, उसको आगे जाने ही नहीं देना. ओके, नाउ अगर हम कर रहे हैं परस्यू. परस्यू मीन्स कॉन्टिन्यू. तो इसका एक और मीनिंग है कॉन्टिन्यू. तो एब्सटेन करना, रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना, उसका ऑपोजिट आगे बढ़ने देना. सी एक्सीड, इंडल्ज. इंडल्ज मीन्स उसमें और इन्वॉल्व होके आगे बढ़ना. कॉन्टिन्यू करना, कैरी ऑन करना, आगे बढ़ना. परस्यू करना, आगे बढ़ना. ही वॉन्ट्स टू परस्यू हिज स्टडीज इन अमेरिका. वो अपनी स्टडीज अमेरिका में आगे कंटिन्यू करना चाहता है. ही इज परस्यूइंग MBA इन अमेरिका. वो अमेरिका में MBA की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है. तो परस्यू करना, आगे बढ़ना. कंटिन्यू करना, आगे बढ़ना. इंडल्ज होना, आगे बढ़ना. एक्सीड होना, आगे बढ़ना. ओके, नाउ सी एब्सेंस. एब्सेंस होना,
एब्सेंस होना, एब्सेंट होना, प्रेजेंट नहीं होना. अगर कोई जॉब से बार बार एब्सेंट हो रहा है तो उसके लिए एक वर्ड आता है बेटा, इडियम फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव मीन्स बार बार एब्सेंट होना, बहुत बार एब्सेंट होना. तो वो फ्रेंच लीव पे है, मतलब हमेशा ही एब्सेंट रहता है. ओके, अब इसका ऑपोजिट प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस. प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस, क्लियर है ये एंटोनिम्स. नाउ द नेक्स्ट सेट. नाउ सी दिस, एबॉलिश. एबॉलिश करना, द डाउरी सिस्टम इज एबॉलिश्ड, द सती प्रथा इज एबॉलिश्ड. एबॉलिश करना, खत्म कर देना, मिटा देना, रोक देना, वो चालू नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं है. सी, एबॉलिश के लिए मैंने आपको सिनोनिम दिए हैं एबॉट, बैन, आउटलॉ, राइट ऑफ. पहले इनके मीनिंग समझ लो बच्चा. एबॉट, एबॉट करना, रोक देना. आपको इसका नाउन पता है, एबॉर्शन. नाउ सी द वर्ड. एबॉर्शन आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एबॉर्शन. तो एबॉर्शन मीन्स जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस. ओके, द लेडी एबॉर्टेड हर 3 months प्रेगनेंसी. उस लेडी ने अपनी 3 months की प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कर दिया, मीन्स वहीं रोक दिया. एबॉर्शन कर दिया मीन्स वो प्रेगनेंसी को वहीं रोक दिया, खत्म कर दिया. क्लियर? तो एबॉलिश करना, खत्म कर देना, मिटा देना. एबॉर्ट करना, मिटा देना. अब सिर्फ एबॉर्ट को आप एबॉर्शन के साथ यूज नहीं कर सकते कि फीमेल्स के एबॉर्शन के साथ. एबॉर्ट मीन्स कोई भी प्रोसेस है जिसको आपने रोक दिया और मिटा दिया, खत्म कर दिया. ओके, बैन कर देना. बैन हो जाना, किसी चीज पर रोक लग जाना. क्लियर? द ओल्ड नोट्स हैव बीन बैंड, द ओल्ड करेंसी हैव बीन बैंड. हमारे पास अगर 500,000 के नोट हैं तो क्या वो आजकल चल रहे हैं? नो, वो बैन हो गए. ओके, आउटलॉ हो गए मींस लॉ ने उनको बंद कर दिया है, कानूनी तरीके से बंद हो गए हैं. राइट ऑफ हो गया है, दैट मींस उन पे पाबंदी लग गई है, रोक लग गई है, वो खत्म हो गया है. सो एबॉलिश के सारे सिनोनिम्स हैं. अब अगर इसका ऑपोजिट देखेंगे बच्चा, नाउ क्रिएट मींस बनाना, नया करना, नया बनाना. ये खत्म करना, ये नया बनाना. रिटेन मींस बनाना, कंटिन्यू करना. इनैक्ट, इनैक्ट करना, स्टार्ट करना. द गवर्नमेंट इनैक्टेड द लॉज, द गवर्नमेंट इनैक्टेड द रूल्स. गवर्नमेंट ने कुछ नए कानून बनाए हैं, कुछ नई पॉलिसी बनाई है. ले डाउन, अगेन ले डाउन करना, टू पुट समथिंग, कोई चीज स्टार्ट करना, सामने रखना. एंडोर्स, अब एंडोर्स वर्ड कैसे याद रखोगे? द क्रिकेटर्स आर ऑलवेज बिजी इन देयर ब्रांड एंडोर्समेंट्स. वो ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं, एंडोर्स हो रहे हैं, ताकि वो नए नए एडवर्टाइजमेंट्स कर पाए, ताकि वो नया कुछ कर पाए. एंडोर्समेंट्स. डिक्री, डिक्री अगेन, अगर ये है बैन कर देना, डिक्री मीन्स स्टार्ट करना, कुछ कंटिन्यू करना, नया कुछ करना. ओके, नाउ सी एबनॉर्मल. हमने अभी किया है एबनॉर्मल के लिए वर्ड इनसेन, किया हमने एबनॉर्मल के लिए वर्ड इनसेन और पेक्यूलर, अटिपिकल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. क्लियर? ये नॉर्मल, नॉर्मल के लिए सेन. लॉजिकल, लॉजिकल, यहां पे इलॉजिकल. ओके, तो वन हु गिव्स लॉजिक फॉर एवरीथिंग, दैट इज नॉर्मल. वन हु डज नॉट हैव एनी रीजन बिहाइंड हिज एक्शंस, दैट इज इलॉजिकल, दैट इज एबनॉर्मल. क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? नाउ सी द लास्ट वर्ड फॉर द एंटोनिम, दैट इज एक्टिव. एक्टिव का ऑपोजिट इनएक्टिव. क्लियर? तो टुडे वी हैव डन सिनोनिम्स ऑल्सो, वी हैव डन एंटोनिम्स ऑल्सो. और एंटोनिम्स में भी मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आपको सिनोनिम्स दिए हैं, ताकि आपको उसका मीनिंग पता चल जाए. तो इन योर रजिस्टर, जस्ट डिवाइड योर रजिस्टर इनटू 2 sections. फर्स्ट सेक्शन सिनोनिम सेक्शन, अदर सेक्शन इज एंटोनिम सेक्शन. अपने रजिस्टर को 2 parts में डिवाइड करो. फर्स्ट सेक्शन सिनोनिम्स, और उसमें सारे सिनोनिम्स वाले वर्ड लिखो. पहले वर्ड लिखो, उसके आगे सिनोनिम्स लिखना. ओके, देन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर रजिस्टर पुट द हेडिंग एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में राइट द वर्ड और उसके सामने एंटोनिम्स, और इसी वर्ड के नीचे उसके सिनोनिम्स भी लिखते जाना, ताकि आपको वर्ड अच्छे से समझ आ जाए. बेटा अगर वर्ड समझ आएगा, उसका मीनिंग समझ आएगा, उसका सिनोनिम समझ आएगा, तभी उसका एंटोनिम याद रहेगा. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जस्ट प्रैक्टिस योर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सो दैट योर वोकैबुलरी मस्ट बी अपडेटेड एंड यू कैन स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स इन योर एग्जाम.
थैंक यू।